हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101 एक बार जल्दी से रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट सारे लोग एक बार लाइव आ जाओ यार और वीडियो को शेयर कर दो बाकी नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इट्स ऑलरेडी यार दस बजने वाले हैं ठीक है मुझे पता है कल आपका एग्जाम है तो मैं भी यार थोड़ा लेट लतीफ़ चल रहा हूँ इसका रीज़न है कि मैं भी इधर बेंगलोर आया हुआ था ठीक है पैनल डिस्कशन वाला है कल बाकी आज शायद आपने वीडियो लेट्स क्रैक यू पी एस बाकी जैसे आप लोग डरे हुए हैं यार डरा मैं भी हूँ ठीक है बस फर्क इतना है आप सिर्फ अपने लिए डरे हैं और मैं उन सब के लिए डरा हुआ हूँ जो जो इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कल वो एग्जाम डर इस बात का नहीं है मुझे पूरा यकीन है आपकी तैयारी के ऊपर और मुझे पूरा यकीन है मेरे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा किए गए काम लेकिन फिर भी दोस्तों जो तो आप बोल रहे हो सर डर हेजिटेशन हिचक ठीक है फियर जो भी आप बोल रहे हो दोस्तों वो सब रहेगा और ये भी निश्चित है कि ये डर रहेगा ये डर होना अच्छी बात है क्योंकि आपने देखो डर दो आदमियों को नहीं है एक तो वो जो मतलब सब कुछ हटके बैठा हो ऐसा कोई होगा नहीं और दूसरा वो दोस्त जिसने पढ़ाई नहीं उसको पता है कल जाके ऐसे ही आके आना है तो दो ही प्रकार के आदमी है जिनको डर नहीं होगा बाकी आपको डेफिनेटली डर लग रहा होगा और यकीन मानिए दोस्तों ये डर जो है ये आपके लिए डर सही है और ये डर सही होना आपको कल एग्जाम के अंदर में बाकी लोगों से बहुत आगे लेके जाए बिकॉज ये ये डर डर जो है 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 आपकी सीरियसनेस को दिखाता है, ये डर आपको दिखाता आपको कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने सचेत हैं और आपने कितना पढ़ा है सिंपल शब्दों में बात कहूंगा पढ़ना वढ़ना देखो अभी यार कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं आराम से बैठो रिलैक्स करो यार आपने एक साल पढ़ाई की है और नहीं भी किया जितनी भी की है आधी पद्धि कुछ तो किया एक रात में तुम कॉलेज के एग्जाम नहीं कि आज रात में पढ़ोगे कल जाके तुम पास हो जाओगे कुछ नहीं होने वाला ठीक है पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका है ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आप एक दिन में सारे फैक्ट्स के रट्टे मार लो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कोई कह रहे हैं फैक्ट्स पढ़ लो कोई कह रहे हैं कुछ पढ़ लो कोई कह रहे है, कुछ पढ़ लो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ यार आप कुछ भी पढ़ लो अभी ठीक है कुछ भी पढ़ लो ठीक है अभी कुछ नहीं पता आपको क्या पेपर में आएगा और क्या नहीं आएगा मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ

और फिर जो आपको पता है मेरा पे, पहला पेपर बहुत अच्छा हो गया लेकिन दूसरे पेपर में बैंड बज गई दूसरा जो पेपर है ना उसके बीच में टाइम बहुत कम है और दोस्तों हमने इस तैयारी में हमने सिर्फ पेपर वन की तैयारी की है जी की आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो पेपर टू अटक जाता है इसीलिए नींद जरूरी है अच्छे से सो जाओ जाके और कल फिर अपना बढ़िया से पेपर टू भी देना है क्योंकि सिर्फ पेपर वन से नहीं निकलेगा पेपर टू भी आपको कंपलसरी पास करना है सबसे पहली बात पढ़ाई लिखाई में बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन मत लो बढ़िया अपने मम्मी पापा से बात करो और मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हवा में मैं कह दूँ नोट्स बना लो ठीक है अब निकालो पीछे कुछ नहीं होने वाला पढ़ लिया सो पढ़ लिया और जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी बता रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला ये एक दिन का टेस्ट नहीं था दोस्तों एक साल की तैयारी थी और इसका रिजल्ट जो है आप कल देख लोगे लेकिन एक बात मेरी याद रखना मैं अभी बोल रहा हूँ कल जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे ना यार तो आपके अंदर में जो बच्चा पढ़ा है ना मैं आप कह रहा हूँ कि दस क्वेश्चन आपने सही किए दस क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि जो पढ़ के आप कर सकते थे मेरी बात याद रखना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लग होगा दस बच्चा दो जो सवाल जो बच्चे दस सवाल भी करके आए ना और वो सवाल जो उन्होंने पढ़े थे और वो अगले दिन एग्जाम में आ गए और उन्होंने उन संभा को कर लिया मैं बोल रहा हूँ दोस्तों अगली बार तुम जब आओगे ना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही होगा सर फोड़ देंगे इस बार इस बार नहीं छोड़ेंगे इस बार एग्जाम को निकाल देंगे तुम मोटिवेट होके आओगे डिमोटिवेट कौन होके आएगा मैं बता देता हूँ जिसने ना पढ़ा और ना आगे उसके पढ़ने की कोई इच्छा है लेकिन जो बच्चा यार सीरियसली अगर उसने एक सब्जेक्ट भी पढ़ा है सपोज पॉलिटी पढ़ा है सपोज जोग्रफी पढ़ा है सपोज पढ़ा है तो अगर एक सब्जेक्ट भी पढ़ा है ना तो वो एग्जाम में जब जाएगा उसको पांच क्वेश्चन भी आ गए ना देख के वहां पे और उसने अपना तरीका वो सारे तंत्र जो पढ़े थे पेचे उसमें लगाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों उसके जैसा आउटस्टेप वो जो सोच के आएगा ना एग्जाम से जैसे ही बाहर निकलेगा उसके अंदर मोटिवेशन होगा कि यार अगली बार ना छोड़ूंगा नहीं प्रम्स को आप पता चल गया क्या आना है क्या आना है कैसे आना है अब अगली बार मैं छोड़ूंगा नहीं यही होता है दोस्तों Trust me guys, this is the way. और यही होता है बच्चों के साथ अच्छा कल हम यार, मैं और के साथ में मैं यहाँ आ गया था बेंगलोर में कुछ नए कोर्सेज का प्लान भी करना है कुछ आपके लिए आपके साथ जो इंगेजमेंट बनानी है अलग अलग शहरों के अंदर हम सेमिनार करने आ रहे हैं मैं आपको सेमिनार आपको अलग अलग शहरों में हम लेके आएंगे तो उसकी मुझे प्लानिंग करनी थी तो बेंगलोर तो आ गया था तीन तारीख को आपको बता था दोस्तों एक बार फिर कहूंगा यार आप लोगों ने इतनी सारी मेरे को बर्थडे विशेष दी है मतलब ह्यूमन छोड़ो आदमी अगर मैं रोबोट बैठा के मैसेज भिजवाऊँ ना थैंक यू के तो इतने मैसेज आपने भेज दिए तब का मैं रिप्लाई शायद नहीं दे पाऊँ बट हाथ जोड़ के यार आपसे यही बोलता हूँ देखो यार मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ ठीक है मैं बहुत मेरे को मेरे लिए कोई दिन बड़ा मेरे लिए दिन वो बड़ा होगा जिस दिन आप लोग कुछ बड़ा करके आओगे और मेरे को बोलोगे सर आपने पढ़ाया था और पेपर निकाल वो मेरे लिए बड़ा दिन होगा यकीन मानना जन्मदिन ये सब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है मैं मेरी रूटीन लाइफ वैसे ही होती है जैसे हर दिन देखते हो मैं वैसे ही उठता हूँ वैसे ही खाता हूँ वैसे ही पीता हूँ वैसे ही सोता हूँ ये सारा नॉर्मल रूटीन होता है बल्कि जन्मदिन वाले दिन पिछले तीन साल से इतिहास है मैं सोया ज्यादा हूँ मैं तो उठाई इस दिन के चार पांच बजे तक ये पता नहीं क्यों हुआ है पूरा करके जाएंगे एक बार जब आज सो ठीक है आपके पेरेंट जरूर सो चुके होंगे एक बार जब रात में सोए एक बार मैं कहूंगा एक बार जाके उनकी तरफ देखना शायद आज या कल से वो पल आ जाए जिस दिन आप एग्जाम में तैयार अच्छे से तैयारी आप करने लग जाओ कि आपके पिता आपके माता बहुत सपने देख रहे हैं स्पेशली मैं बात करूंगा लड़कियों मैं हर बार बोलता हूँ और हमारे चैनल के ऊपर हम बार बार बोलते हैं ठीक है आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल बनना और इस बार हुआ भी है टॉप थ्री रैंकर्स जो है वो लड़कियां रही हैं और मैं गारंटी के साथ दे सक, कह सकता हूँ औसत जो है बढ़ेगा हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा आया है सब कुछ अच्छा है सब पॉजिटिव है आप जाइए और तैयारी कीजिए यकीन मानिए दोस्तों अगर आपने मेहनत की है तो ऊपर वाला भी ना वो तुम्हारा मेहनत का फल जो है ना वो रोक नहीं सकता मैं लिख के दे रहा हूं अगर आपने मेहनत की है तो कोई भी आपकी मेहनत को रोक नहीं सकता ऊपर वाले को भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देना पड़ेगा टेंशन लो मत यार सो जाओ लंबी रात जाएगी मुझे पता है नींद नहीं आएगी दिमाग चलेगा दिमाग को रिलैक्स करो बिल्कुल भी कुछ मत सोचो एकदम लूज करो बॉडी और सो जाओ सुबह उठो एग्जाम में जाओ अदरवाइज तो आपको एंजाइटी इतनी अच्छा आता होगा तो भी दोस्तों हंड्रेड मार्क्स का खेल है मैं आपको सच बता रहा हूँ ठीक है कितने मार्क्स का खेल है हंड्रेड मार्क्स का खेल है ठीक है बोर्ड भी नया है दो नंबर का खेल है सारा का सारा ठीक है, मार्क्स का कैसे सर सर दो सौ के तो सवाल ही है, नहीं करूंगा क्या पढ़े कैसे घबराना कैसे हो सकता है पहले दस क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल टेंशन मत लेना बिल्कुल जस्ट जाते ही एग्जाम के अंदर में फटाफट एक रीडिंग करना और हाँ बच्चों एक बात मैं बता देता हूं ऐसा नहीं कई बच्चे क्या होंगे पढ़ के पूरा पहले क्वेश्चन लिखेंगे ओ एम आर ओ एम आर सीट बहुत बाद में भरेंगे ऐसा कभी मत ठीक है साथ साथ ओ एम आर सीट जब आप कन्फर्म हो तो भरते चलना तो ईजी दिख रहा हो उसको देखना ढंग से क्या जो वो पूछ रहा है जितना आसान सवाल लग रहा है क्या सही में आसान है इंडिकेटिव वर्ड जिसमें करेक्ट आपसे बोला जाए ठीक है आपसे जिसके अंदर में इनकरेक्ट बोला जाए ऐसे वर्ड पे ना स्पेशल ध्यान देना है जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट की बात करते हैं क्योंकि तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं जहाँ फंस जाते हो आप दोस्तों को तो ध्यान से रख और यार अपने माँ बाप का मम्मी पापा का दादा दादी का बड़ों का आशीर्वाद लेके जाओ और यार सब मचा दो कल मैं मान रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है यार तुम खलबली मचा दोगे ठीक है तुम मचा दोगे यार कल बहुत बढ़िया रॉक करोगे ठीक है और यार लाइव नहीं आ पाएंगे हम सेशंस में आपके साथ नहीं आ पाएंगे यार टेंशन मत लो वंश कुमार यही तो कह रहा हूं भाई टेंशन क्यों लेने है यार क्या टेंशन लेके अच्छा एक बात बता क्या कर लोगे टेंशन अब टेंशन लेके कुछ हो रहा है क्या मैं भी कर लूँ मैं भी टेंशन ले लूंगा बताओ सही बताऊँ मैं इसीलिए सेशन नहीं कर रहा था यार मुझे पता था आप लोग यही बात कहोगे और आपसे ज़्यादा मैं टेंशन में आ जाऊंगा भाई मैं अभी तो तैयारी इतने दिन से मैं भी तो तुम्हारे साथ में लगा हुआ हूँ अलग अलग टीम बनाना अलग अलग एजुकेटर के साथ काम करना अलग अलग प्लानिंग अलग अलग, अलग स्ट्रैटेजी यकीन मानो यार तुम कल पेपर तो दो जाके यार मैं खड़ा हूँ अगर ऐसा ना हो तो अगर दस क्वेश्चन भी तुमने आए और तुमने छह महीने पढ़ाई की है ना तो तुम सबसे हट के परफॉर्म करके आओगे और तुम अगली बार बहुत आके कॉन्फिडेंट होके कहोगे या तो तुम एग्जाम में क्लियर करके आओगे कल prelims. और अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो तुम आके ये बोलोगे मेरे को कि सर अगली बार फाड़ देंगे अगली बार नहीं छोड़ेंगे तो ही पॉसिबिलिटी है तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तीसरा कुछ नहीं होगा कल जब तुम आओगे तो तीसरा कुछ नहीं होगा जो पढ़ाई नहीं यार उसके लिए तो अलग बात है तो टेंशन बिल्कुल मत लो यार ठीक है टेंशन बिल्कुल मत लो और भाई कई काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आशीर्वाद भाई देखो सुनो मेरा साथ है ठीक है छोटा भाई बड़ा भाई जो तुम मानना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्त मित्र सखा बंधु तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बाकी आशीर्वाद हमारे बड़ों का है मैं फिर कहूंगा माता पिता कोई सबसे बड़े भगवान है यार ठीक है उनके पैर छुओ उनसे आशीर्वाद लो ठीक है माँ पर बात करो जो माँ ने बोल दिया ना मतलब सही बता रहा हूँ उनसे बड़ा आशीर्वाद किसी और एग्जाम कैसे तैयारी ये वो ये पूरे साल बताते आया हूँ तो मैं अब ये बात नहीं करने वाला हूँ कि क्या पहले करो क्या बाद में करो ठीक है छोड़ दो जो हो गया सो हो गया अब और कुछ नहीं होने तो वाला बट बैठा जब पढ़ाई करो जब क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से और अपने पे भरोसा रखना ठीक है वहाँ एग्जाम हॉल में याद रखना कि तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सबसे ज्यादा तुम्हें आता है सबसे ये रखना है ऐसा नहीं कि बराबर में कोई बैठा है वो फटाफट निशान लग वो झूठ भी हो सकता है वो गोले मारे जा रहा तुम टेंशन में आ जाओ किसी से कोई मतलब नहीं है में जब आप बैठे हो किसी से कोई मतलब नहीं है लड़कों स्पेशली बता देता हूँ हमारे यूट्यूब वाले हैं भाई साहब लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब पे नहीं आ जाते हैं वो एक से दो होने के लिए जोड़ा बनाने आते हैं हंस हन का जोड़ा वहां पे बैठ के ही देखते रहें कि कौन कहाँ से कहे कहा मौसम कहाँ पे सही माहौल बन सकता है वो बच के रहना ठीक है उसके चक्कर में एग्जाम ना खराब हो जाए बढ़िया से पढ़ो यार बेस्ट ऑफ लक ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से दोस्त जैसे इस बार काम किया अगली बार हम काम करते रहेंगे और यकीन मानना अगर तुमने ठान लिया है तो कोई टोक नहीं इस एग्जाम को क्लियर आज नहीं तो कल आप एग्जाम को करके आओगे और मेरे लिए बिल्कुल भी ये मैटर नहीं करता दोस्तों मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कल जाके तुम अपना बेस्ट दो शाहरुख खान वाली लाइन बोलने का मन कर रहा था बट फिर तुम कहते सर कॉपी कर इसीलिए ना बोल रहा हूँ मैं ठीक है अपने भरोसा करो मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करने वाले हो तुमसे अच्छा कोई नहीं करेगा मैं मैं इस बात में 110 और हूं। तो गो एंड रॉकेट जानता हूं कि आप बहुत अच्छा करने वाले बढ़िया से सो जाओ कोई टेंशन मत लो तो उठना एग्जाम सेंटर में जाना ठीक है पेन पेंसिल जो भी है अपने सब ले जाना इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेके मत जाना कागज जेब के अंदर में रखना मत यार पेंसिल रबड़ जरूर लेके जाना बॉल पेन जो है कोशिश करना एक मोटा अलग से आता है उमर सीट भरने का है तो बढ़िया बात है नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है टाइम से सीट भरना टाइम से पेपर खत्म करना ठीक है एंजाइटी बिल्कुल भी मत लेना घबराना बिल्कुल भी मत अगर लगे घबराहट हो रही है तो एक गिलास पानी पियो रुको हम जाओ सांस लो ठीक है सोचो कि आपसे बेस्ट यहां पे कोई बस इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों थैंक यू वेरी मच लॉट्स ऑफ लक टू यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड यार और मेरा साथ आप लोगों के हमेशा साथ है दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी का एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो ठीक है और कल जन्मदिन था मेरा ठीक है तो तुम ये जो हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे और जो ये मेरा गिफ्ट होगा कल सबसे अच्छा तुम जाके आप बोलोगे सर बहुत मजा आ गया ठीक है अच्छा लगा एग्जाम में मैं सुनना चाहता हूँ सर मजा आ गया ये सुनना चाहता हूँ मैं बाकी कुछ नहीं बाकी कल का एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे हम नेक्स क्रैक पे यूपीएससी मेन इवेंट बना हुआ है सारे टॉप एजुकेटर के साथ में मैं बेंगलोर यहीं से हम स्टूडियो क्या करने वाले हैं काम करने में बाकी ये सब आपको पता है दोस्तों आपको पता है ये सब बताना जरूरी होता है तो ये चार चैनल है अपने दोस्तों आप इनके साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अन अकेडमी ऐप पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बस मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करना है फॉलो करना है फॉलो फॉलो आप करेंगे तो क्विज स्पेशल क्लास और प्लस क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ेंगे मेरा कोड है सुमित टेन अभी अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों ये आठ तक जो है आपका जून एट तक ये जो प्राइस हाइक है इसको डिले कर दिया गया अभी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है फिर से रिक्वेस्ट करूंगा यार जाओ

इसके अलावा ये ऑप्शनल की फीस आप देख सकते हो वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर इसमें आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, है, है कोड आप याद रखेंगे दो, मेरा है ये ऑप्शनल की फीस है इसमें भी आप टेन परसेंट क्या रखेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा जाइए दोस्तों फटाफट जिनको भी करना है यू कैन ज्वाइन और सबसे मेन बात बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड या दोस्तों जाइए और एग्जाम को ये कल आपका दिन है किसी और का नहीं क्रैक इट